गणेश चतुर्थी के अवसर पर मूर्तिकार छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं बनाते नजर आ रहे हैं, जिसके संबंध में मूर्तिकार टिंकू प्रजापति ने बताया कि इस कोरोना महामारी में प्रशासन के द्वारा निर्देश है कि कोई भी गणेश प्रतिमा सार्वजनिक जगहों पर स्थापित नहीं की जाएगी। जो भी पूजा होगी वो घरों के अंदर ही होगी, जिसके कारण जो गणेश प्रतिमाएं भव्य बनती थी अब वो सिर्फ 2 फीट में सिमट कर रह गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है और हजारों का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूर्तिकार टिंकू प्रजापति व राजू प्रजापति ने कहा, ये सारा आइटम मिट्टी का है, मतलब पीओपी नहीं है। अच्छा, ये शाम वाले न्यूज़ में देगा सर। यही हम लोग को पता चल जाता है कि मतलब दशहरे का क्या रिस्पांस है, तो हम लोग उस हिसाब से कुछ काम करते हैं। राजू नाम है, राजू प्रजापति। आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, इस साल क्या स्थिति है? स्थिति तो इसे बहुत खराब हो गई है, बस घर में पूजा के लिए छोटी छोटी मूर्ति वही बन रही है। कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पे, तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का तो सारा रोजगार ही खत्म हो गया समझिए। थोड़ा बहुत सीजन आता था तो ये सब काम होता था, लेकिन ये भी खत्म हो गया समझिए। कितनी कमाई हो जाती थी हर साल? अरे उस तरह तो 50-60 हज़ार कमा लिया जाता था सीजन में। इस साल तो कुछ भी नहीं समझिए, 1,000, 2,000, 4,000, 500-700 की मूर्ति में क्या आदमी कमाएगा? छोटी छोटी मूर्तियाँ में क्या लग रहा है कि कमाई हो जाएगी? कुछ नहीं भैया, क्या कमाई इसमें होगा, बस समझिए कि बस टाइम पास के लिए बन रहा है। ये क्या किया जाए, कोई काम नहीं है, बट्टा सब घर में रखा हुआ है आखिर। मेरा नाम टिंकू प्रजापति है। अभी आने वाले दिन में गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, लोग गणेश मूर्तियाँ बैठा देते हैं, हर साल आप लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पर बैठा देते हैं, इस समय क्या कारण है, क्या स्थिति है? ये कोरोना महामारी को देखते हुए इसमें हमारे सरकार का आदेश है कि मतलब 2 फीट से ज़्यादा मूर्ति नहीं बनेगी, और जो भी पूजा होगा घर के अंदर अपना करिए, बाहर कोई पंडाल नहीं बनेगा, न बाहर कोई मूर्ति बनेगी, न कोई जलूस ही निकलेगा। यही कारण है कि इस बार मूर्तियां मतलब 2 फीट से ऊपर नहीं बनाया जा रहा है। हर साल की तुलना में कितना गिरावट आया है और कितना प्रभाव पड़ा था? इस कोरोना महामारी को देखते हुए मतलब प्रभाव तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है हम लोग की, मतलब पूरी जो भी कारोबार था पूरा एकदम चौपट हो गया है इस समय। हर साल कितनी कमाई? मतलब हम लोग गणेश पूजा से लेके और छठ पूजा तक कम से कम 50 मूर्तियां बनाते हैं, 50-60 मूर्ति बड़ी बड़ी बनती थी, और इस बार तो हम लोग का लॉस बहुत काफ़ी हुआ है, मतलब इसका अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते कि हम लोग का कितना लॉस हो जाएगा गया है। क्या लग रहा है कि कुछ कमाई हो जाएगी? नहीं सर, मतलब ये तो हम लोग घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो इसलिए छोटा मोटा मूर्ति बनाया जा रहा है बैठ के।